तो सुधांशु बच्चे बताओ आज क्या पढ़ाया जाए। फिजिक्स भी पढ़ हाँ ठीक और क्या हाल है। चलो ठीक है आओ देखो फिजिक्स का बेटा अभी जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर आता है ना वो आता है मेजरमेंट का। उसमें हम बेसिक बेसिक चीजें बात पता करते हैं कि कोई चीज कैसे मेजर की जाती है। ठीक है और ये वो है हाँ आवाज नहीं आ रही है हो रही होगी वो थोड़ा नेटवर्क नेट का प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। अभी आ रही है यूनिट नहीं नहीं नेट की दिक्कत है। अच्छा ये दिख रहा है ना जो लिखा मैंने। चलो ठीक तो हम अभी पढ़ने वाले बेटा यूनिट डायमेंशंस एंड एरर। ठीक है इससे पहले छोटी सी चीज जानो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ठीक है पहली चीज कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है पीक्यू फिजिकल क्वांटिटी जैसे हम देखते हैं सिंपल अपनी कॉमन लाइफ में कि हम जब कोई चीज मेजर करते हैं। ठीक है कोई चीज मान लो कि वो करना है कि क्या होगा जैसे अगर कोई चल रहा है तो हम इसमें क्यूरियोसिटी हमारी रहती है कि वो कितने किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा होती है कि नहीं होती। हाँ चल रहा है देखते हैं कि वो कितनी दूर गया कितना मीटर गया कितना किलोमीटर गया एंड सो ऑन। तो ये जो चीजें यार कोई भी अभी हम देखते हैं जब टाइम तो हम देखते हैं कहते हैं कि टाइम क्या हुआ। ठीक तो कोई भी अगर फिजिक्स पढ़ते हैं यानी कि अपने आसपास की हैपनिंग को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हीं क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है तो ये क्या है क्वांटिटीज। देखो ये वाला कलर दिख रहा है क्या। ठीक है क्वांटिटीज नेचुरल हैपनिंग फिजिकल। ठीक कि इनको यूज किया जाता है टू स्टडी द नेचुरल हैपनिंग। ठीक है पढ़ने के लिए तो वो उन्हीं को हम क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है कि मतलब हम फिजिकल टच में उसी से आएंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या चीज न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है और उसके साथ हम एक और हैं यूनिट यानी कोई क्वांटिटी तभी पूरी होगी जब उसके पास कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो और इसकी कुछ ना कुछ क्या हो यूनिट। ठीक है फॉर एग्जाम्पल
यानी इसी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से लिखता हूँ, यूनिट को यू से लिखता हूँ, ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केवल 100, तो 100 का क्या मतलब समझोगे? ये तो एक मैथमेटिकल नेचुरल नंबर है कि नहीं? बोलिए, अगर मैं इसी के साथ लगा 100 मीटर, अब इसकी वैल्यू हो गई, तो आप कहोगे ये क्या होगा, डिस्टेंस होगी या किसी की लेंथ होगी, है कि नहीं? कोई ना कोई, अगर या तो मैं ऐसे 100 सेकेंड, तो आप कहोगे ये 100 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, क्या है ये 100 सेकेंड टाइम इंटरवल? ऐसे ही अगर मैं कह दूं 200 किलोग्राम, तो इसका मतलब आप समझ गए ये क्या है, मास है, मास है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तब तक अधूरी लगती है जब तक कि उसके पास दो चीजें ना हो, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट, है कि नहीं? एक हाँ, अब हम देखेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कितने टाइप की होती हैं, कैसी कैसी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास आ सकती हैं। क्या बेटा? हाँ, ये आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो फिजिक्स होगी उसमें चैप्टर 2 होगा ये, ठीक है। वैसे 1 वाला तो खुद से भी पढ़ सकते हो, उसमें तो बताया हुआ है कि साइंस क्या है। हाँ, कर लोगे ना? अगर नहीं कोई दिक्कत होगी तो बताना, मैं बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। वैसे तुम पढ़ोगे तो एक बार पढ़ ले जाओगे, ठीक है। नोट करके आगे बढ़, हो जाएगा तो बताना। आ रही ओ सुधांशु, अगर कोई मतलब पॉलिनोमियल दिया है और उसका मतलब कोई रूट ना दिया है तो फोर रूट निकालने के लिए रखो, 2 रखो, ट्राई करो। उसके बाद जो आएगा हाँ नहीं, हाँ इक्वल टू 0 अगर आ जाए, जैसे 1 रखने पर वो 1 0 हो गया, अब एक्स माइनस उतना बराबर वो कर दे, एक्स माइनस 1 आया, 1 आया, माइनस 1 से भाग दे, क्योंकि वो तो 1 0 भाई, इसका भी रिमाइंडर तो कौन आया है, सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल हो गया। तो हाँ, हटा दो बेटा, आइए देखते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, ऐसे इनको हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हम कैटेगराइज करते हैं इनको ऑन द बेसिस ऑफ इनकी जो होती दो तरीके होती है। हाँ बेटा, क्या हुआ? हाँ धीरे धीरे बोल रहा हूं ना, तो उसकी वजह से आ रही है। अबे वो हो जाता होगा, मैं क्या कह रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरीके की होती हैं। कितने तरीके की? अभी ये सुनाई दे रहा है, 2 तरीके। एक तो होती है बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी,
फंडामेंटल, ठीक है, और दूसरे टाइप की होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, जैसे ही फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, तो फिजिकल क्वांटिटीज के साथ अपन जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और यूनिट भी होती है कि नहीं? न्यूमेरिकल वैल्यू को समझने में उतना हमें वक्त जाया नहीं करना है, लेकिन जो यूनिट है उनको तो हमें समझना पड़ेगा, है कि नहीं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होंगी वही फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? हाँ, और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज की जो होंगी उनको हम डिराइव यूनिट कहेंगे। आई बात समझ में? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो यूनिट के लिए भी सिस्टम बनाया गया। सिस्टम जैसे हम देखते पहले जो है, अगर आप ध्यान दो तो पहले जब मेजर किया जाता था ना, अभी भी देखो अभी सारे सारे पैमाने चलते हैं, कहीं कहीं लेंथ में मेजर किया जाता है ना, अभी फीट, 2 गज दूरी मास का जरूरी, 2 मीटर की दूरी बना सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो हम कहते हैं कि भाई साहब उसी तरीके से इनका भी एक सिस्टम होता है, और जो अपना इंटरनल सिस्टम है ना, इसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, SI यूनिट, ठीक है। और इसके बेसिस पे ही मैं अभी सारी यूनिट लिखूंगा, बाद में इसके बारे में थोड़ा अपन डीप में चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी अभी लिखने जा रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे इनकी यूनिट लिखूंगा वो मैं कौन सी यूनिट लिखूंगा? SI यूनिट। कौन सी? हाँ, SI होता है सिस्टम, इंटरनेशनल, ठीक है, ठीक है बेटा, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। अच्छा, आओ देख फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो देयर आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंटली रीच अदर, उनकी आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक। तो हम इसकी चाहे तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि दो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होंगी? दो फिजिकल क्वांटिटीज वे डिपेंड, किस पे डिपेंड ऑन दी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किस पे डिपेंड करेंगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आइए थोड़ा सा इनके बीच में थोड़ा थोड़ा दो चार एग्जांपल लेते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देयर आर वन। हाँ, इंडिपेंडेंट। हाँ, तो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हम जो है, हाँ बोले। अच्छा, 1 मिनट। अभी दिख रहा है ना? ठीक, पूरा दिख रहा है? और कोई नहीं आया सिद्धांशु? एक दिन आया, वो भी नहीं आया। चलो देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कितनी? 7। हाँ, ये 7 कौन कौन सी हैं? एक तो है मास, दूसरी है लेंथ, ठीक है, तीसरी
तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, के बाद अमाउंट ऑफ सांस, नीचे वाला दिख रहा जो लिखता हूँ, और पांच से कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लुम अरे ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ठीक है। मास की जो बेटा यूनिट होती है वो एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, लेंथ की मीटर होती है, क्या चीज मीटर, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। टाइम की होती है एसआई यूनिट सेकेंड, ठीक है, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, इसको हम के से या कभी कभी जो है थीटा से भी डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट बताओ क्या होती है सुधांशु, एम्पियर, बहुत बढ़िया, एम्पियर होती बेटा इसकी। अच्छा एम्पियर कभी भी साइंटिस्ट के नाम वाली यूनिट हो ना, अगर उसको एक अक्षर में लिख रहे हो, एक अक्षर में उसको ऐसे लिखोगे ए, या कभी कभी हम तीन अक्षर में लिखते हैं एक दो अक्षर में, अगर ए एम पी लिखना हो ना तो आप इसको ऐसे लिखो ए एम पी, क्या चीज स्मॉल ए एम पी, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो भी एम्पियर है, ऐसे लिखोगे तो भी एम्पियर है, ठीक है। ये ध्यान देना कि अगर स्मॉल में, अगर आपने तीन लाइन तीन अक्षर लिखे हैं तो उसको स्मॉल में लिखना है, अगर एक लिखना है तो उसको कैपिटल में लिखना है, केल्विन के साथ भी ऐसे ही करोगे, ठीक है। होंगी सबके साथ हमेशा करती है, ठीक है, अगर एक अक्षर लिखना है, हाँ क्या हुआ, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर साइंटिस्ट वाली यूनिट रहे, साइंटिस्ट के नाम वाली, तो उसको हम अगर एक अक्षर में डिनोट करते हैं तो उसको हम कैपिटल से लिखेंगे, ठीक है, अगर अक्षरों में डिनोट करते हैं तो उसको स्मॉल लिखेंगे, ऐसे अमाउंट ऑफ सांस होता है उसकी यूनिट होती है मोल, क्या चीज मोल, मोल सुना हुआ है ना पहले नाइन्थ में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो होती है वो होती है बेटा कैंडेला, क्या होती है इसको हम स्मॉल सीट कैंडेला, ठीक। इसके अलावा ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये सात तो है ही है, सात के अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट, हाँ सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन सी, मतलब ये भी लगभग लगभग फंडामेंटल की ही तरह रहती है, लेकिन इनका भी यूज कभी कभी हम करते हैं। तो ये तो सात हो गए फंडामेंटल, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इनके अलावा सप्लीमेंट्री होती है, एक तो होता है एंगल, सचिन एंगल, अरे क्या होता है रेडियन, क्या होता है हाँ, और एक होगा सॉलिड एंगल, अभी इन दोनों चर्चा कर लेंगे, एक्चुअली हम की अलग अलग चर्चा, कोई दिक्कत नहीं, साथ में ही तो है। सॉलिड एंगल की होती है बेटा स्टेरेडियन, इसको हम एस आर से नोट करते हैं, इसको नोट करते हैं सीधे आर को, या आर ए डी डायरेक्ट रेडियन, ठीक। इसके अलावा होती है कह रहा हूँ, इसके अलावा जो है साथ अभी सुनाई दे रहे हैं फंडामेंटल,
इनके अलावा जो होती हैं वो सब डिराइव्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कह दिया एरिया, क्या चीज एरिया को आप जानते हो किसको हम लेंथ इनटू लेंथ, जो बार लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं ना, लेंथ इनटू एल इनटू, चलो ब्रेथ ही कह लो इसको, मतलब लेंथ की मीटर आएगी कि नहीं आएगी, दो बार मीटर मीटर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो इसको इसको मीटर मीटर स्क्वायर कर सकते हो, मतलब एक मीटर ये भी फंडामेंटल ये भी फंडामेंटल, दो फंडामेंटल को हमने ग्रुप किया तो एरिया मिल गया, है कि नहीं। ऐसे ही वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में आप देखोगे कि 3 बार मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर करोगे तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा, है कि नहीं। स्पीड हो गई, स्पीड का क्या होगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, इसमें लेंथ और टाइम, लेंथ और टाइम दो फंडामेंटल है कि नहीं। ऐसे ही एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में देखो लेंथ 1 बार और टाइम 2 बार फंडामेंटल है ना, तो ये सब क्या है, ये सब डिराइव्ड यूनिट है। हाँ बेटा, हाँ किया स्टेरेडियन, रिक्वेस्ट हो गया बेटा। चलो आज इतना ही पढ़ो इसमें सुधांशु, ठीक है, अभी कुछ देर के बाद मैथ पढ़ाते हैं। ठीक, हाँ कितनी देर के बाद शुरू करें, कितना बज रहा है अभी, 7:30, हाँ तो 8 बजे से बनेंगे, ठीक है।